खूंटी जिला में हम आए हैं। आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम कैसा चल रहा है, इस पर लोगों का रुझान कैसा है, लोगों को इसका लाभ मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, इसका जायजा लेने के लिए हम आए हैं। वैसे तो ये 12 तारीख से ये कार्यक्रम शुभारंभ हुआ है और आपके जिले में भी विभिन्न पंचायतों में, विभिन्न प्रखंडों में, विभिन्न गांव में आपकी योजना, आपकी सरकार, आपके द्वार का शिविर लगाया जा रहा है और बड़े पैमाने पर उस शिविर में हमारे ग्रामीणों का समस्याओं का समाधान किया जा रहा है और जो समस्या का समाधान सरकार के स्तर तक का है वो सभी समस्याएं और आवेदन उन सब को हम तक पहुंचना है। ये कार्यक्रम एक महीने तक का, हम लोगों ने एक मिशन बोर्ड पर इस कार्यक्रम को चलाने का निर्णय लिया है। झारखंड का स्थापना दिवस के दिन इस कार्यक्रम का समापन होना है। इससे पहले भी हमने आपकी सरकार, आपके द्वार कार्यक्रम चलाया था, जिसके माध्यम से आपके गांव गांव, पंचायत पंचायत में शिविरें लगी थी और उस समय लगभग 6000 शिविर हम लोगों ने लगाए थे और उन 6000 शिविरों के माध्यम से लगभग 35 लाख से अधिक आवेदन हमें प्राप्त हुआ था और उन 35 लाख आवेदन का 99% समस्या का समाधान उस समय हम लोगों ने कर दिया था। और उस समय भी कई योजना लेकर के ये शिविरें लगी थी, सर्वजन पेंशन जैसे महत्वाकांक्षी योजना। झारखंड ये पहला राज्य है जहां इस राज्य के हर बुजुर्ग को पेंशन देने का संकल्प और कानून बना है। झारखंड इस देश का पहला राज्य है जहां हर विधवा महिला को पेंशन देने का कानून बना है। विकलांग हो, एकल महिला हो, सबको पेंशन से हम लोगों ने आच्छादित किया। कई चीजों में आज ये वर्तमान में ये झारखंड देश के अव्वल राज्यों के दौड़ में शामिल होने की तैयारी कर रहा है। जहां ये राज्य सबसे पिछड़े राज्य में गिना जाता है, आज लगातार सरकार के कार्य योजनाओं का लाभ हम ग्रामीणों तक पहुंचा करके देने का हम लोगों ने संकल्प बनाया है। आप सब लोगों को मालूम है कि हमारा ये झारखंड नदी नाला पहाड़ झरना बहुत ही ऊंचा नीचा गढ़ा ढोड़ा हम लोगों का गांव देहात सब भी उसी तरीके का बसा हुआ है। हमारा गांव इतना ऊंचा ऊंचा, इतना दूर दराज पर है, ना वहां सरकार की आवाजें जाती थी, ना सरकार की नजरें जाती थी, सरकार की योजनाओं को तो दूर की बात है। और विगत 20 सालों में
जो हमारे विरोधियों ने इस राज्य को चलाने का काम किया, कभी नहीं सोचा कि सुदूर ग्रामीण क्षेत्र में रहने वाले गरीब को, किसान को, मजदूर को सरकारी लाभ हम कैसे दें। ये लोग कागज में ही आपके लिए नियम, आपके लिए योजना बनाते थे और कागज में ही सारी योजनाएं खत्म हो जाती थी। अपने राज्य से जुड़ी हर ताजा खबरों के लिए आप हमें सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन बटन दबाना ना भूलें।